नमस्ते। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुख के बारे में अगर हम बातचीत करें तो सुख के बारे में अलग अलग गुणीजनों ने अलग अलग कुछ कहा है, तो आज हम बातचीत करेंगे इसी सुख के सवेरे के बारे में सीता गुप्ता जी से। नमस्ते सीता जी। नमस्कार, आपका स्वागत कार्यक्रम में। इतनी सुंदर कविता लिखी है आपने, सुख का सवेरा, जिसमें शब्द है, मैं रोज एक नया गीत लिखूं, सबके दिल में सुख संगीत लिखूं, तारों में चमक बन के दिखूं, फूलों में महक बन के बिकूं, सूरज बनूं और अंधेरा गिराऊं, चांदनी बनूं और रस बरसाऊं, संसार में सुख का सवेरा ले आऊं। कितना खूबसूरत लिखा है आपने। ये सुख का सवेरा, आपके मन में सुख के सवेरे की क्या संकल्पना है या फिर क्या भाव है इस गीत में, आप गा के सुनाइए ना। मैं रोज नया एक गीत लिखूं, सबके दिल में सुख संगीत लिखूं, मैं रोज नया एक गीत लिखूं, हर दिल में सुख संगीत लिखूं, तारों में चमक बन के मैं दिखूं, फूलों में महक बन के मैं मिकूं, सूरज बनूं और अंधेरा मिटाऊं, चांदनी बन के रस बरसाऊं, संसार में सुख का सवेरा लाऊं, ऐसे जीवन में प्रीत लिखूं, मैं रोज नया एक गीत लिखूं। क्या बात है, आपका रोज एक नया गीत आप हमें सुनाती ही हो, लेकिन ये जो है सुख का सवेरा, ये शब्द बहुत ही खुशियों से भरे हुए हैं, तो इन खुशियों का राज क्या है? सुख का सवेरा, अब आप जरा सवेरे सवेरे देखिए क्या होता है, आकाश एकदम निर्मल, कहीं कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, एक तरफ सूरज उग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कहीं पक्षियों का कलरव है, शीतल मंद बयार है जो आपके गालों को स्पर्श कर रही है, चारों तरफ से सुख बरस रहा है कि नहीं? शीतल मंद बयार जब आपके गालों का स्पर्श करती है तो कैसे नहीं लगता किसी रेशमी पंख ने आपके गालों को छू लिया? जी जी। पक्षियों का वो मधुर कलरव, कहीं चिड़िया चहचहारी हैं, कबूतर गूटर गू कर रहा है, अलग अलग पक्षियों के अधक अलग अलग सुरीले स्वर, कोयल कूक रही है, बुलबुल गा रही है, कि किसी वाद्यों के संगीत से कम सुंदर होता है? जी जी। वो आवाजें तो फिर भी बना कर निकाली गई है, तो नैसर्गिक हैं, कितना मन को सुकून देती हैं। सही बात है, सही बात। और सूरज उग रहा है, क्या कह रहा है, जीवन में रोज नई एक आशा जगाइए, जैसे मैं रोज उग कर आता हूँ ऊपर। जी जी। तो आपका निर्देश जो है सुख का सवेरा, यानी जो हमारे मन में नई आशा जन्म लेती है, उस आशा के प्रति है? आशा जगेगी तो हम उसको पूरा करने का प्रयास भी करेंगे ना। जी अच्छा अच्छा। जैसे बगिया में आप ढेर सारे पौधे लगाते हैं, अगर कुछ मर जाते हैं तो कुछ तो जीवित रहते हैं। अगर मेरी आशाएं सभी पूरी नई भी हुई, कुछ तो हो ही जाएंगी, लेकिन आशा वो हो जो मेरे लिए भी सुखकारी हो, समाज के लिए भी सुखकारी हो, किसी दूसरे को गिराकर सुख पाऊं ऐसी आशा मत करना। जी सही कहा। और इतना आपने सुंदर इसमें लिखा है, इसमें तारों की चमक है, चांदनी भी है, तो ऐसा मन जैसे चांदनी में नहाता है ये सुन के, तो इसके बारे में आप क्या कहोगी, ये इतनी सुंदर ऐसी चांदनी आपने कैसे महसूस की भला?
कहाँ भी जो शहर अभी प्रदूषण से मुक्त है वहां चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, रात को चांदनी देखिए ना, तो वो आपको बचपन की एक कहावत या एक वो पहेली याद आ जाएगी, एक थाल उल्टा धरा मोतियों से भरा, याद अच्छा है ना, बचपन में पढ़ा आपने, कुदरत देखिए मोती उसमें से एक भी ना गिरा, तो वो कौन क्या सा बात है, है, वही तो है स्वच्छ आकाश, और जिसके अंदर असंख्य तारे मोतियों के थाल की तरह आपको लग रहे थे जी जी थी ना हमारी पहेलियों की कितनी सुंदरता, जी एक थाल मोतियों से भरा, कुदरत देखिए मोती उसमें से एक भी ना गिरा, जी वो तारे तो मोती हैं आकाश के, उसी को मैंने लिखा, तारों में चमक बन के दिखूं, फूलों में महक बन के मैं बिकूं। अब आप कह सकते हैं बिकूं का क्या मतलब, फूल जब तक डाली पर है खुशबू देता रहेगा, जब माली को जरूरत पड़ी उसको वो बेचेगा तो उसको धन मिल जाएगा, तो दोनों ही अर्थ में तो काम आया, अच्छा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, सही बात है। माली ने सींचा उसको भी तो कुछ मिल जाना चाहिए, कुछ फूल जब पौधे पे है तब भी दुख खुशबू, जब बिक गया तो धन की खुशबू, अर्थात तो उसके मन में थोड़ी सी आशा जगेगी अपने परिवार के प्रति मैं पालना कर सकूंगा, तो जी ये भी तो खुशबू है। जी सही है, जी सही है। और आपके शब्दों को वो खुशबू है, आपके शब्दों में वो खुशबू है और वो हम महसूस कर पाते हैं, तो इतनी जान कहाँ से आती है आपके शब्दों में? शब्द तो स्वतः ऐसी चीज है कि उसके अंदर भाव, शब्दों में जान आती है भाव से, जी। अगर शब्द भावना प्रधान है तो उसके अंदर जान ही जान है, वो आपको खींचेंगे ही, शब्द तो वो हैं जो टूटे रिश्तों को जोड़ देते हैं, और शब्द वो भी हैं जो काट देते हैं, इसीलिए तो क्या कहते हैं, तलवार का घाव भर जाता है और वाणी का घाव नहीं भरता। लेकिन आपके शब्दों में तो इतनी मिठास है। आपने यहाँ पे लिखा है कि मैं सुख संगीत लिखूँ। संगीत तो गाया जाता है या फिर कंपोज किया जाता है, मतलब आप शब्दों में से वो संगीत कहाँ से लाते हो? आप शब्दों में वो धुन, वो मिठास कहाँ से लाते हो? इसमें क्या भाव है? मैं सुख का संगीत लिखूँ, मना क्या? प्रकृति के प्रत्येक शब्द में संगीत है ना, चिड़िया की चहक में संगीत है, जी। फूल की चटक में संगीत है, जब वो खिल के कली से फूल बनता है, देखिए तो अगर आप वहां खड़े हो आपके सामने एक फूल इतना था अभी ऐसे खिल गया हो, वो संगीत जैसा नहीं लगेगा। जी। शीतल सुबह की बयार है उसकी, जो सरसराहट होती है उसमें संगीत है, भीना भीना क्या बात भंवरों है, की गुंजार में संगीत है, वाह वाह वाह, संगीत ही संगीत है, जरा जाकर तो देखिए माँ की प्रकृति के पास। क्या बात है। और आपके शब्दों में, आपकी आवाज में वो संगीत है। तो आपने अगला छंद भी बहुत कितना सुंदर लिखा है। सूरज बनू और अंधेरा गिराऊं, चांदनी बनू और रस बरसाऊं, अच्छा सूरज बनू और अंधेरा मिटाऊं। अब अंधेरा केवल भौतिक जगत का अंधेरा नहीं है, अच्छा किसी की ने पूरा प्रयास किया उसकी जीवन में आशा सफल नहीं हुई, उसके मन में भी तो अंधेरा है, जी तो मैं थोड़ा सा उसका सहायक बन के उसका सूरज बन जाऊं, जितने सूरज उतने ही सवेरे, तू पास तो आ मेरे, अच्छा मैं क्या बड़ा बात, सूरज नहीं छोटा सूरज बन जाऊं, किसी की थोड़ी सी आशा जगा दीजिए ना, इसीलिए मैंने लिखा, सूरज बनूं और अंधेरा मिटाऊं, चांदनी बनी और रस बरसाऊं। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, चांदनी बनूं और रस बरसाऊं, रस ये कौन कहाँ, सा रस है? जो मन के अंदर सूखापन आ गया। अच्छा वैसे भी क्या कहा जाता है कि फलों में रस या वस्तुओं में रस चंद्रमा देता है, जी ओज जी सूरज देता है और रस चंद्रमा देता है, जी 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 सूरज को तेज का प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा को रस का प्रतीक माना जी जाता जी
इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जी। तो मन में रस चांदनी भरती है ना, जर चांदनी रात में टहलिए, सारे कोई दुख दर्द आपको याद ही नहीं आएगा। इसीलिए मैंने लिखा, सूरज बनू और अंधेरा गिराऊं, चांदनी बनू और रस बरसाऊं, संसार में सुख का सवेरा ले आऊं। संसार में सुख का सवेरा लाना है मना क्या? असंख्य प्रकार के लोगों के असंख्य दुख है ना। जी जी। तो मैंने छोटी छोटी सहायता से, जो मैंने अभी बोला दर्शकों, छोटी छोटी सहायक बन के हम कितने सारे सूरज जगा सकते हैं ना। किसी को धन की मदद की जरूरत है, किसी को थोड़े से बस समय की जरूरत है। सही। अकेलापन है, उसके पास थोड़ी देर बैठिए, कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपने सुनाइए। कोई सड़क पार नहीं कर पा रहा है, उसको उतना सा ही करा दीजिए, उसके लिए वही सुख का सवेरा है। जी, जी। किसी को प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। कोई चढ़ नहीं पा रहा है, ट्रेन में चढ़ा दीजिए। हजारों तरह के सवेरे हैं, उसी को मैंने कहा रोज नए सवेरे ले आओ। जी, बहुत खूब कहा, बहुत खूब। कितने सूरज कितने सवेरे, रोज तो तू आ, पास तो आ मेरे बस। क्या बात है, क्या बात है। और आगे मैंने लिखा, इसलिए जीवन का यही सार है, कोई नहीं अपने अनुसार है। इसलिए मनो में संतोष, शरीर में संयम रखो, दिलों में संवेदना, जीवन में सदाचार हो। ये जीवन का सार आपने इसमें बताया है, और मन में संतोष और शरीर में संयम, इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हो, वो कौन सा संयम है? जीवन का यही सार है, कोई नहीं अपने अनुसार है। इसलिए मनो में संतोष और शरीर में संयम रखो, दिलों में संवेदना, जीवन में सदाचार हो, तब संसार बगिया सा गुलजार हो। अब पहली बात, जीवन का यही सार है। क्या सार है? कि सबके अपने अपने संसार हैं, आशाओं के, इच्छाओं के, कर्तव्यों के, सबके अपने अपने संसार हैं, और सबके अपने अपने उसी अनुसार कर्म हैं, और उसी अनुसार उनके पास कला है, उसी अनुसार उनके पास समय है। तो कोई नहीं अपने अनुसार है, जैसा मैं चाहूं ऐसा सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इस सार को मैं मान लूं तो बहुत सारी इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी, इच्छाएं टूटेंगी नहीं तो दर्द कम हो जाएगा। हाँ सीता जी, बराबर है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ लोगों के दुख का कारण ही यही बन चुका है कि कोई मेरे अनुसार नहीं। ये ऐसा क्यों है, मतलब मैं देखती हूँ जहाँ तक, ये आदमी ऐसा क्यों है, वो ऐसी क्यों है, इससे लोग इतने परेशान हो जाते हैं। ज़्यादातर हम अगर देखें तो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे बॉस या फिर उनके जो कलीग होते हैं उनमें तो ये बहुत ही संघर्ष चलते रहता है। मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जैसा बताता हूँ, वैसा ये काम क्यों नहीं करता? तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आज ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, ये बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है कि कोई अपने अनुसार नहीं है, और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पहले तो हम मान जाएं कि सब अपने अनुसार नहीं हो सकते हैं ना। जी जी। तो पहले उसे मन से मानना होगा। जी। और जहाँ तक आपने कार्यालयों की बात की, ऑफिसों की बात की कि ऑफिस में ऐसे होता है वैसा होता है, उसके लिए कई कई संस्थाएं बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं कि कैसे अपने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बिठाया जाए। जी। कैसे उनकी बात खुद सुनिए और अपनी उनको सुनाइए। जी जी। कोई टाइम मैनेजमेंट का सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, बहुत सारे। इसके लिए तो उनको थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जी। क्योंकि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है ना। जी जी जी, सही बात है। इसलिए कार्यालयों की जहाँ तक बात है, सरकार की तरफ से, विभिन्न संस्थाओं की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जहाँ उनको सिखा सकते हैं हम, लेकिन दोनों को ही समय निकालना पड़ेगा, बॉस को भी कर्मचारी को, क्योंकि कोई अपने अनुसार नहीं। इस वजह से लोग जब ऐसे इरिटेड होते हैं या फिर परेशान होते हैं, तो आपको क्या लगता है उसका परिणाम कार्य के ऊपर होता है? होता है ना। जी। जैसे बॉस ने गुस्सा किया पति के ऊपर, पति ने घर आके गुस्सा किया पत्नी के ऊपर, जी
पत्नी ने बच्चे को मारा, बच्चे ने नौकर को डांट दिया। ये तो कहावत बनी हुई है ना, लोग मजाक में ऐसे ही तो कहते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, जब हम आप अपने से शक्तिशाली के आगे नहीं बोल पाते हैं तो अपने से छोटे के ऊपर बोलते हैं। जिसकी एक कहावत भी है, कुमार पे बस नहीं चला तो गधे के कानों मेट दिए। इसलिए वो तो फिर आपस में ही सामंजस्य बिठाना पड़ता है, क्योंकि हर एक कार्यालय की अपनी कमियां कमजोरियां या अपनी उलझने हैं। उसके लिए एक ही दायरे में रहकर तो नहीं उसको ठीक किया जा सकता जी ना। सही है जी, बिल्कुल सही हर एक कार्यालय के कर्मचारी की आपस की उलझने अलग हैं। सही कहीं इंजीनियरिंग का सामान बनता है, उन्हीं की अलग होगी। कपड़ा बनता है तो अलग होगी, जी सोने के जेवर बनते हैं तो अलग होगी, जी तो हर बीमारी का इलाज भी अलग होगा ना। जी लेकिन ये अगर छोड़ देगा कोई ये स्वभाव, जैसे आपने कहा कि मेरे ही अनुसार सब हो, ये छोड़ देगा तो मुझे ऐसा लगता है उनकी काम करने की कैपेसिटी भी बिल्कुल बढ़ सकती है। बढ़ सकती है ना, जब आपस का तनाव कम हो जाता है, हम शांति से काम करते हैं, ज्यादा काम होता है। जी सही है। और अगर ये सब उनकी तरक्की, अगर वो जिंदगी में कुछ तरक्की कर पाए तो सुख का सवेरा दूर तो नहीं, जैसे आपने कहा है, तो आपकी कई क्या बार ये भाव भी है? होता है ना कि अगर मन के भ्रम एक दूसरे के प्रति मिट जाएं, आपस में खुलकर बात कर लें। कई कई ऑफिसों में ऐसे होता भी है कि एक थोड़ा आधा घंटा या 15 मिनट ऐसे रखते हैं, जब एक दूसरे की बात वो लोग सुनते हैं। अलग अलग तरीके हैं। तो जो आपके आगे के शब्द है, इसलिए मनो में संतोष शरीर में संयम रखो, इसमें आपने क्या दर्शाया है? वो कौन सा संयम है, वो कौन सा संतोष है, या फिर वो कौन सी संवेदना है? इसलिए मनो में संतोष शरीर में संयम रखो। कोई भी कर्म हम कब करते हैं? आंख कुछ अच्छा देखना चाहती है, मुख कुछ अच्छा खाना चाहता है, हाथ कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहता है, पैर कहीं अच्छी जगह जाना चाहते हैं, मन कुछ अच्छा देखना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। सही है। सबकी चाहत अलग अलग है ना, तो सबके साधन भी अलग अलग होंगे। इसलिए शरीर में संयम। मुख चाहता है कि मैं मिठाई खाऊं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आपको मिठाई नहीं खानी, तो संयम रखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ये दर्शक को मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। तो बहुत से कार्य हैं जहां हमें संयम रखना पड़ता है। आंख कहती है मैं 2 घंटे पिक्चर देखती रहूं, लेकिन आंख के अंदर इतनी शक्ति नहीं है वो एकाग्रता से देख सके, तो आपकी आंख को बाद में कष्ट होगा ना। इसलिए मैंने कहा संयम रखिए। और उसमें आपने ये भी कहा है आगे कि दिल में संवेदना और जीवन में सदाचार हो, तो दिल में कौन सी संवेदना हो जिससे ये जीवन सदाचारी बन सकता है? एक दूसरे के दुख को समझने की, या खुशी में खुश होने की और दुख को समझने की। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि लोग एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। आज क्या है, लोग अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से दुखी ज्यादा है। क्योंकि हीरा सा गई है। अगर एक किसी के पास बाइक है और दूसरे के पास इम्पाला है, तो अगर वो दो ही व्यक्ति हैं तो उनके लिए बाइक काफी है ना। जी मेरे पास क्यों नहीं, लेकिन ऐसा भाव आ जाता है फिर, मैं क्यों नहीं खरीद सकता, ये लेकिन दुख उनके का परिवार कारण में है। 4 व्यक्ति हैं, उनको कार चाहिए, आपको चाहिए ही नहीं, जी हाँ तो संयम हो गया कि नहीं? जी सही बात है। सबकी जरूरतें भी तो अलग हैं। हाँ उनका बड़ी परिवार है, उनको 2 कमरे चाहिए, आपका छोटा है, आप एक में कर सकते हो। देखिए सज्जनों, रास्ते की दूरी उतनी ही रहेगी, चाहे आप छोटी गाड़ी में पूरी करिए, चाहे आप बड़ी गाड़ी में पूरी करिए। जी रास्ते की दूरी घटेगी या बढ़ेगी? नहीं, जितने माइल्स है उतने ही माइल रहेगी। जी जी तो मन के ऊपर संयम होगा तो आपको छोटी गाड़ी भी उतना ही सुख देगी। सही बात है, सही बात है। यही मैंने कहा,
इसलिए मनों में संतोष हो और शरीर में संयम रखो, दिलों में संवेदना। संवेदना क्या होती है? जब मैं अपना और दूसरे का दोनों के भावों को समझ पाती हूँ। नहीं तो हमें अपनी खुशी तो खुशी लगती है, दूसरे की खुशी इस समय संगीत सुनने की है, मुझे चुटकुला सुनाने का मन है, तो कैसे संभव है? संवेदना यानी सहवेदना है, वो दूसरों के भाव महसूस करना। संवेदना, संवेदना, वेदना माने दर्द जी। तो दोनों का दर्द समान है अगर मैं इस बात को मान लूं जी। और दर्द भी कितनी प्रकार का है ना, मन का है, तन का है, धन का है, कमियों का है। सच बात है, सच बात है। इसी को मैंने लक्ष्य करके लिखा था कि मनो की संवेदना को जीवित रखिए। और आगे आपने संसार को बगिया गुलजार कहा है। जब हम सब एक दूसरे के सुख दुख बांटने लगेंगे तो जैसे एक बगीचे में पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, सब मिलके रहते हैं ना, तो संसार भी ऐसे बगिया जैसा गुलजार हो जाएगा, जहाँ गरीब भी है, अमीर भी है, छोटे पद वाला भी है, बड़े पद वाला भी है, सब मिलजुल के रह रहे हैं जी। सही बात है। अगला छंद मैंने लिखा है दोस्तों, हर फूल की सुगंध होती है अपना रंग, हर शब्द का रूप अपना, होती है अपनी तरंग, हर सुबह का उजाला अपना, लाता है नई उमंग, हर वक्त का अंदाज अपना, होता है अपना ढंग। इसलिए तुलना कर मत करिए, मुस्कुराइए सबके साथ। क्या बात है। हर फूल की सुगंध अपनी, अब गुलाब की सुगंध अपनी है, चमेली की अपनी है, गुलाब का रंग लाल है, गुलाबी है, पीला है, चमेली का रंग चंपाई है, क्या दोनों ही सुंदर नहीं है जी? जी। तो आपकी सुंदरता अपनी है, दूसरे की अपनी है जी। आपके पास लंबाई की सुंदरता है, उसके पास गोरे रंग की सुंदरता है, किसी के नैन नक्श तीखे हैं, उनके पास उसकी सुंदरता है। सुंदर तो सब है ना, कौन से फूल के बिना आप बगिया की कल्पना कर सकते हैं, बताइए। जी सही कहा, जी सही। इसीलिए मैंने लिखा, हर फूल की सुगंध होती है अपना रंग, तो दोनों फूलों के रंग अपना है, सुगंध अपनी है, फिर भी दोनों हैं तो बगिया के क्या है, माली दोनों को देखकर खुश होता है। सही बात है। चंपा का वृक्ष हो, रात रानी का वृक्ष हो, या गुलाब का हो, या चमेली का हो, या सरोवर में कमल तैर रहे हो, सबकी सुंदरता अपनी अपनी है, सबके रंग अपने अपने हैं। ऐसे ही जीवन के भी हजारों रंग हैं, किसी को किसी चीज से खुशी मिलती है, किसी को किसी से मिलती है, सब अपने अपने, उसमें खुश रहिए ना। हर शब्द का रूप अपना, होती है अपनी तरंग। संगीत तो सबने सुना ही है ना, तो हमारी जो सरगम में सातों सुर हैं, सबकी अपनी अपनी तरंग तो है। हमारे जो जितने वाद्य हैं, वीणा की अपनी मिठास है, तो सितार की अपनी मिठास है, बांसुरी का अपनी मधुरतान है, हैं तो सब मीठे जी। जी सही कहा, जी सही कहा। तो उसी तरह हर शब्द की अपनी वो है, अपनी मिठास है, और आपके शब्दों में बिल्कुल बहुत ही मिठास है। लेकिन अब वक्त खत्म होने को आया है, तो आपके अगले जो छंद है, अगली जो पंक्ति आया है, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, तो उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तब तक बहुत बहुत आभार सीता जी, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। आज के एपिसोड में हमने सुनी सीता गुप्ता जी की कविता, जिसका शीर्षक है सुख का सवेरा। अगर सुख का सवेरा ज़िंदगी में आना है, तो हमें दुख, दर्द और इस मन को लगे हुए जो कलंक है, वो मिटाने हैं और जीवन को खुशियों से भर देना है। इस विचार के साथ मैं मधुरा आपका विदा लेती हूँ। बने रहिए। नमस्कार।